अगला क्वेश्चन है आपके, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और एक है अंडर रूट 32। और जो आगे अगर बराबर है तो अगले पद क्या करना है, 11। देखो ध्यान दो, पहले टुकड़ा कैसे कर रहा संख्या, इस 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही रहने दो, टुकड़ा रहेगा नहीं, 18 कितना है, इन देखा देखिए बना लो, यहाँ 2 है तो 2 और 5 कितनी बार आ रहा है, 8 है तो कितना रहेगा, 4 बार दे इनमें कितनी, 18 कितनी बार आ जाए, 9 बार, और इनमें कितनी बार रही 32 में, 16 बार, 16 इंटू 2 अंडर दूँ आप। अब यहाँ देखो कितना हुआ, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 4 बार स्क्वायर बार निकल गया, 9 का कितना, 9 का कितना रह गया, 3, जैसे यहाँ 12 आ जाएगी, या 16 कितना होता है, 4 अंडर दूँ, यहाँ कुछ आगे लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब ये कितनी बार है, 1 बार अंडर रूट 2, ये है 2 बार अंडर रूट 2, ये है 3 बार अंडर रूट 2, ये है 4 बार। अगर मैं इन्हें ए मान लूं तो कह रही 1, 2, 3, 4 बाबा दे दिन मान लो सवाल लो बाबा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी याद करेंगे, कैसे करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 बार अंडर रूट 2 में से गया आपके 1 बार अंडर रूट 2, तो क्या बचा पीछे, 1 बार अंडर रूट 2 बच गया, वो वाली बार क्या कॉमन भी ले सकते आप चाहो तो, कॉमन भी लेवन तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, कैंसिल कितना आया आप बेटे, 2 माइनस इन भाई कितनी बार जा, 1 बार, तो कितना आएगा 2 में 1 ही हो, 1 बार अंडर रूट 2। अब इन्हें 1 बार अंडर रूट 2 लिखो या केवल अंडर रूट 2 लिखो, एक ही बात है। अब पापा टी क्या करो, क्या लिखा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये दोनों घटाओ, 3 बार अंडर रूट 2 में से घटाएंगे कितना, 2 बार अंडर रूट 2, 3 में 2 किया, 1 बार अंडर रूट 2, बताओ एपी में है, हाँ सर, तो एपी में है, अगर ये एपी में है तो क्या करना है, हमें पांचवा पद भी याद करना है, छठा पद भी याद करना है और सातवा पद भी याद करना है, ओ पद ले पहले बोल, या यहीं से लो ये याद ही दे दो, वो तो बाद में बनाया, पहले ये लें क्या है, तो 4 बार अंडर रूट 2 है, 1 अंडर रूट 2 और जोड़ दें, कितना रहेगा आपने 5 बार अंडर रूट 2, अब 5 बार अंडर रूट 2 है ये, इनमें क्या ऐड करा, अंतर 7 अंतर कितना है, अंडर रूट 2, बताओ कितनी बार हो गया आपने 6 बार अंडर रूट 2, अब और लिख दे और 7 अंतर ऐड कर लिया, 7 कितना है आपने अंडर रूट 2, कितना रहेगा है 7 बार अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन ये तो हमारा ये लाइन है, लेकिन हमें जो मेन जो लाइन है वो आपके आंसर वाले की लाइन चल रही है, आवर पहले हम यहाँ से आएंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ 2 था तो मैंने क्या बनाया 4, फिर 2 से गुणा किया और 8 आया, यहाँ 3 था तो इसको अगर अंदर लेना है तो उसका करना क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 तक कितना रहेगा आपने 9, और 4 कितना रहेगा आपने 16, तो यहाँ 5 का कितना रह ला 25, करते ही संख्या अंदर जा रही अंडर रूट में, कितना रहेगा बताओ 50, और 6 है, 6 का कितना स्क्वायर कर ले, कितना रहेगा आपने 36 इंटू 2, कितना रहेगा बताओ 72, अगर 7 है अंदर ले जाना तो क्या करा आपका 7 का 750 इंटू 2 रहेगा है आपने 58, क्योंकि सवाल तो उत्तर तो वो पूछ गया, आ लाइन पूछ गया, तो अगला वाला पद अट पूछ गया, अट नहीं पूछ गया, अब पता ये क्यों किया हमने, संख्या को क्वेश्चन इजी करवा बाकी भी जो आया हमने, अगला है आपने अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 6, अंडर रूट का 9, अंडर रूट का 12। अब देखो इंजीनियर जो हम पहले थे 2 था है, अभी ने बात में 2 और 12 अलग अलग कैट बेटा 3 अटे कर देखो, और 3 है जी आपने, वो कितना देखो 3 बात हम कितनी बार जावे 2 बार, तो रहेगा है 2 × 3, 3 बार हम कितनी बार जावे 3 बार, रहेगा है 3 × 3, रहेगा है आपने
चार इंटू तीन है ना बाप रे तीन लास्ट आए। अब हल करो रेवे तो ना कहीं हल रेवे ना कोई ना इन हल करने का लिए तो कारी दाल में क्यों क्योंकि हम टुकड़ा रेवे बने टुकड़ा हरे रेवे बने इन दो रेवे बने ऐना रेडी कर दिया एक तीन बारह जा ला वैसे इसका क्या होगा आपके रूट तीन रही इन दोनों दोनों बटे रही माइनस दो इंटू तीन इन्हें कितना रहेगा आपके तीन चार की तरह है दो अंडर रूट की तरह आप तीन हल कर दो तो अन्य हल करने जाओ तो वो भी आप रख सको अपा ज्ञात कर आप डी सूत्र क्या ज्ञात करने का दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद तो दे रखा है दो इंटू तीन अंडर रूट का और पहला पद जुड़ा है केवल आप अंडर रूट तीन अंडर रूट तीन इसमें भी है और इसमें भी तो कह लेना कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट तीन क्या आ गया आपके कॉमन अट अंडर रूट तीन है तीन कट गया कितना लग रहा है अंडर रूट दो बचे और इनो भाग इनमें कितनी बार जा रहा भाग देखो तो एक घटक जाए तो बाकी रहे बन ऐ जो उनका उत्तर एक बार और डी याद करो तीसरा पद माइनस दूसरा पद तीसरा पद चौथा ऐ लिख दो बाकी और रह गया कि इनमें यहाँ से अंडर रूट है इनमें अंडर रूट है तीन में तीन में तो कॉमन लेना तो समस्या आए देखा करा ये तो मिल लो कितना वो ध्यान दो तीन इंटू तीन अंडर रूट में घटाए देगा कितना दो इंटू तीन तो अंडर रूट तीन दोनों है तो वह आएगा आपने कॉमन अंडर रूट कैंसिल तो लग गया आपने अंडर रूट रहा तीन और बच गया वो अंडर रूट तीन नहीं एक बार तो कॉमन ले लियो एक लग बच गया माइनस अंडर तीन कैंसिल कितना है आपने अंडर रूट रहा दो है बताओ ये वाला उत्तर ये विषय मिलेगा अलग है बोले बोला एपी में नहीं है तो हल करने की आवश्यकता भी नहीं है नॉट इन एपी एपी में हल करने की आवश्यकता नहीं बोल दियोड़ा आप तो एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पांच का स्क्वायर सात का स्क्वायर तो एक का क्या होता है एक तीन का पांच का सात का क्या होता है एपी में है नहीं है आठ जगह तक क्या लगे एपी में है जबकि अगर आप घटा हो तो एपी में रह गए मतलब खा पड़ जाए बताओ एक का सूत्र क्या है तो डी सूत्र क्या है ना तो दूसरा पद माइनस पहला पद नौ माइनस एक कितना रह गया है आठ तो और डी याद करो तीसरा पद माइनस दूसरा पद मतलब के 25 माइनस 9 कितना आएगा है 16 एपी में है क्या नहीं तो क्या लगा एपी में नहीं एक लास्ट वाला जोड़ दो वही देख लेते एक का स्क्वायर पांच का स्क्वायर सात का स्क्वायर और तीन का एक एक में पचों पच्चीस उन पचास और तिहत्तर डी याद कर लो सूत्र क्या याद करने का दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब कितना लिखा है आपने पच्चीस माइनस एक कितना आ गया है चौबीस बड़ डी याद करो पहले का उन पचास माइनस पच्चीस कितना लिखा आपने चौबीस ये क्यों है तो अगले तीन पद क्या करेंगे हम याद करेंगे अगर ये अगले आगे चॉइस चॉइस ऐड करता रहना चॉइस जोड़ो अंतरण संतरण संतरण और चॉइस जोड़ के दाएं 121